बेवहसन मैंने भेज का ही शर्म लड़का मैं कूल पर दिमाग मेरा गरम बोलता झूठ कि हम अभी पता नहीं रास्ते में कहाँ पहुंचा है लेकिन बहुत गंदे तरीके से मौसम खराब हो चुका है तो हमने ये जगह यहाँ पर चूज किया है तो हम अभी जल्दी से टेंट लगाते हैं फिर उसके बाद मिलता हूँ आपसे। सिमर है 2-3 घंटे का सिमर जाके कितना है बहुत दूर है शब्दों में ढूंढू गहराई बचपन अंधेरे में गहरी सिखाई या क्या दू सफाई। अभी टाइम हुआ है 4:13, हम सुबह चले थे 6 बजे सिलाई से 9:30 घंटे में हम पहुंचे इधर और आधा पौना घंटा लगभग रेस्ट किया अभी 5-1 मिनट हमारे को चलते हुए हुआ है और बाकी तो सीन सही है लेकिन राकेश भाई की बुरी हालत हो चुकी है पीछे बैठ के ये अपने तूफानी बाबा और इन फूलों से या पता नहीं किस चीज़ से लेकिन बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब ये नहीं पता इन फूलों से आ रही है या किसी और चीज़ से आ रही है लेकिन बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और सामने का व्यू ये इधर खड और चढ़ाई के बाद ये ऐसे में खेती करते हुए कैसे यहाँ पे हल जोतते होंगे बहुत डिफिकल्ट लाइफ है भाई। ये देखिएगा बहुत अच्छा मौसम इस टाइम ठंडा बाकी देखते अभी 11 तक पहुँचने की हमारी अभी प्लानिंग है बाकी देखते कहाँ तक पहुँच पाते अगर थके तो फिर पीछे रुक जाएंगे नहीं 11 तक तो हमने पहुँचना ही है जैसे तैसे करके। बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है और ये नाटी पर नाचते हुए सफाई इस गरीबी की ना कोई दवाई मेहनत करनी है बॉस माँ ये समझाती थी बॉस तब से शुरू मेहनत करना है कोच तब से ना चुप क्या करना सोचूं मैं रोज। सिम्बर है 2-3 घंटे का सिम्बर से आगे कितना है बहुत दूर है नाम क्या है अंशुला आपका साहिल सानिया अच्छा और ये किसका है हमारे ये तीन इसके तीन मेरे अच्छा तुम भाई बहन है हैं पहला रेस्ट 2.5 किलोमीटर के बाद बाबा तूफानी गालियां दोगे आप वायरल नहीं करूंगा और ये फौजी या सिंपल था मैं उसने देदास बनाया खर्चे थे कम मेरा खर्चा करवाया पर डाकू था मैं उसने शायर बनाया जंगलों के बीच से बच गया गिर गया था आगे तूफानी बाबा पीछे बर्फानी बाबा और बीच में बाबा चिंते कम मेरा चर्चा करवाया सच मैं बोलता बोलू कभी ना झूठ रेलू बेशक पानी बिना जैसे रहता ऊट बंदी वो चाहिए जो पाती हो सूट मिला मैं उससे करूंगे दे फूट। ये शायद ऊपर से पहाड़ सारे पत्थर आए थे नीचे को भी बह के। फिलहाल सीन ये है कि हम अभी पता नहीं रास्ते में कहाँ पहुँचा है लेकिन बहुत गंदे तरीके से मौसम ख़राब हो चुका है और हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गया है तो हमने ये जगह यहाँ पर चूज़ किया है तो हम अभी जल्दी से टेंट लगाते हैं फिर उसके बाद मिलता हूँ आपसे। थोड़ा जाना बच के तो हीट इज बहुत जान के अपना टेंट लग चुका है। देखो सबसे बड़ी बात है कि ऊपर ज़्यादा बारिश नहीं आएगी नीचे क्योंकि ऊपर भी पेड़ है चारों तरफ पेड़ है अगर तूफान भी आता है फिर भी हम सेफ है बिल्कुल ना तो इस साइड से आ सकता तूफान इस साइड से भी नहीं आएगा तूफान उतना बहुत खतरनाक आसमान कड़क रहा है और बारिश हो रही है आप देख पा रहे होंगे अगर वो देखो बिजली भी पड़ रही है तो टेंट लग गया है सबसे अच्छा काम है ये सुनिएगा। अभी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर तूफान का असर बिल्कुल कम है क्योंकि हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं और आग जलाने की तैयारी कर रहे हैं लकड़ी लेके आ चुका है और बाकी हमारे पास माचिस है लाइटर है तो हम जला देंगे आग बाकी आपसे अंदर मिलते हैं अब आग जलाने के बाद। ये लकड़ी का ब्रिज उसके नीचे
लकड़ियां है, इनको इकट्ठी करते हैं। तो जला देते हैं पानी वाली, पानी इधर ही है। दोबारा जला, लाइटर से जला। ठीक है, तेरे को पता राजा करे रहा मैदान का। आग जल चुकी है, ये दोनों कारीगर और अपना टेंट जो है वो सही से काम कर रहा है। टेंट के ऊपर बरसात, यहाँ कम है बारिश अभी तक, यहाँ गीला भी नहीं हुआ है नीचे, आप देख सकते हैं सूखा ही है। और सामने देखोगे तो पूरा का पूरा गीला हो चुका है सब कुछ। ये है आग का नजारा, ऊपर तक जानी आग जाएगी, पर ये कुछ ज्यादा ना लग जाए आग, क्योंकि उन्हें पेड़ के बीच में आग लगाई है। ये है आम की चटनी, ये है रोटी, और ये है मिर्च, मिर्च की चटनी। ये है तूफानी बाबा, ये है बर्फानी बाबा, और बाहर हो रही है बारिश खतरनाक वाली। बाकी हम सेफ है, हवा आ नहीं रही अंदर, तो हम शायद ठंड से बच जाएंगे। बाकी हम रोटी खाते हैं, अपने पास यहाँ पर है रोटी, इसमें मर रही है बहुत सारा सामान। आम ये काम करवाया, ये पैक करवाया था, खराब करवाया। पनीर, पनीर ये है देसी पनीर, और ये है आम। ठीक है, अपने शूज इधर, बाकी अपने बैग वगैरह, ये स्लीपिंग बैग, एक ही स्लीपिंग बैग इनके पास। बचपन की याद आ गई, जब स्कूल में थे तो घर वाले कैसे थे, जैम लगा के रोटियों में, और चलो स्कूल। वैसे ही हम बीच में ये मिर्च की चटनी और साइड में आम की चटनी, चलो हम खाते हैं। यमी 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 या। टाइम हो गया है 10:53, बहुत मीठा है यार। और यह हम खा रहे हैं, नहीं मेरा भी मीठा है भाई, और तूफानी बाबा जी का हम मीठा नहीं है, कम मीठा है। देखोगे तो डर जाओगे। टॉमी, शेरू, कालू, हेलो डॉगी, एक्सक्यूज मी, हाय, हेलो, हाउ आर यू। रात को 11 बजे आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर ख़त्म। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय। और पिछले व्लॉग देखना ना भूले अगर नहीं देखे, और बाकी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। Like, share and subscribe. Peace out. Yeah, kuch nahi. Wow, sab jal ke basam. Nasa nasa mein maine teri maa ki kasam. Rakte nahi chal tera ye kadam.